जिस तरह से जो पब्लिक चाहता है उस तरह से हम लोग भी करते हैं, जाए कि क्योंकि हम तो काम करने के लिए आते हैं तो हम किसी को नाराज कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें उस माहौल में ढलना पड़ जाता है। अच्छा, उस माहौल में ढलना पड़ जाता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मतलब कोई कोई बोल देता है कि देखो ये नचनिया है, नाच करता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर हम लोग सुन के मतलब रह जाते हैं और कुछ नहीं बोलते, लड़ाई नहीं करना चाहते। जब आपको गलत नज़र से या गलत ढंग से छेड़ा जाता है तो उस माहौल से आप कैसे निकलते हैं बच के? उस माहौल से तो हम लोग को बच के निकलना ही पड़ता है, क्योंकि बचना नहीं पड़ेगा तो मतलब आदमी सब नोच के खा लेगा, इसीलिए मतलब कोई ना कोई बहाना बनना पड़ जाता है हम लोग को, इसलिए बच जाते हैं। इस पर तो हम यही कहेंगे कि लड़की को ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की का मतलब इज्जत प्रतिष्ठा में रहना चाहिए लड़की को। अरे हम लोग तो लौंडा है, हम लोग का चल जाता है, लड़की का नहीं चल को ये सब काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की को ये सब शोभा नहीं देता, क्योंकि जितना हम लोग सेफ हैं उतना लड़की सेफ नहीं है ये सब मामले में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। और नमस्कार, मैं धीरज झा, आप देख रहे हैं द कैन न्यूज़। मैं बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के रामपुरडीह ग्राम में हूँ और बिहार में लोंडा डांस काफ़ी फेमस है और इसका जो जनक कहा जाता है उसे भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, और मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा बिहार के लोंडा डांस से कि बिहार में लोंडा डांस किस तरह का प्रचलन है और उसमें से लड़के को लड़की बनकर दर्शकों को रिझाना पड़ता है और क्या क्या प्रताड़ना भी झेलना पड़ता है और किस किस कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। मैं उस सब सारे बातों से आपको रूबरू कराता हूँ। जी हाँ, मैं आपको मिलाता हूँ आज के नर्तक से कि बिहार में जिस तरह से एक लड़का बनकर आम दुर्गा पूजा, होली, दशहरा जैसे पर्व त्योहारों में नाटक का मंचन किया जाता है और धीरे धीरे नाटक का मंचन भी खत्म किया होता जा रहा है और इस लोंडा डांस की जगह अब लड़कियां लेने लगी है जो दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं और वो डांस करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में लोंडा डांस मौजूद हैं, होते हैं। मैं उनसे रूबरू कराऊंगा कि बिहार की जो संस्कृति है धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है और अब कुछ ही क्षेत्रों में बाकी है। आप देख सकते हैं सजते हुए संवरते हुए एक लड़के, तो मैं इनसे रूबरू होता हूँ कि किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको। आप एक लड़के हैं, लड़की बनना पड़ता है और जब आप मंच पे जाते हैं, नृत्य आप करते हैं, डांस करते हैं, तो किस किस कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है आप बताएंगे? क्या बताएं कि किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कठिनाई करना पड़ता है पब्लिक का, जो पब्लिक हम दिखाना चाहते हैं वो पब्लिक दिखता है तो वो लोग को अच्छा लगता है तो ताली बजाता है, बस यही हम अच्छा लगता है। जिस तरह से अब धीरे धीरे आप लोगों का जगह बाहर से आकर कुछ बड़े बड़े शहरों से आकर लड़कियां लेने लगी है और आप लोगों का धंधा धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का धंधा जो है लड़की लोग गिरा देती है, तो हम लड़की लोग से यही बोलेंगे कि आप लोग ये धंधा मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत मतलब परेशानी वाली चीज़ है और हम लोग तो झेल लेते हैं लेकिन लड़की लोग नहीं झेल सकती है, बस और कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह आजकल का माहौल है, आजकल का एक दौर चलता आ रहा है कि लड़कियां नहीं होगी तो डांस नहीं होता है, और ख़ासकर किसी भी क्षेत्र में जाएं, रंगमंच पे जाएं, अब धीरे धीरे आप लोग का जाना वहाँ कम होता जा रहा है, लड़कियाँ आप लोगों की जगह ले रहे हैं, तो क्या आपके रोजी रोटी पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है। और हमारे साथ एक और हैं, मैं उनसे रूबरू कराता हूँ कि सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है? आप अगर नहीं भी बताना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल नाम बताओ। हाँ, नहीं नहीं, आप कुछ भी बता सकते हैं, मुझे कोई लेना, आपके नाम से मुझे दिखाना नहीं है, आप अगर कुछ और नाम बताना चाहते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है।
मेरा नाम रोशन हुआ। रोशन हुआ जी। अच्छा, जब आपको लड़के हैं लड़कियां बनती हैं, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बहुत जगह तो बहुत कठिनाई करनी पड़ती है, और बहुत जगह तो ना के बराबर होती है, बहुत जगह इज्जत मिलती है, बहुत जगह ना इज्जत मिलती है। और कभी कभी गलत इशारे, गलत ढंग से छुआ जाता है, क्या ऐसे माहौल से भी आप फेस होते हैं, रूबरू करते हैं? जी हाँ। कभी कभी कुछ गलत कमेंट्स भी झेलना पड़ता होगा? जी जी। तो क्या उस माहौल से निकलने के लिए आप क्या करते हैं? बस उसी वेशभूषा में हमको भी ढलना पड़ जाता है। जिस तरह से कभी कभी आप रंगमंच पे जाते हैं, कुछ गलत तत्वों द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गलत कमेंट्स किए जाते हैं या गलत नज़रिए से देखा जाता है, उसमें आप कैसे बचते हैं उन लोगों से? तो जिस तरह से जो पब्लिक चाहता है उस तरह से हम लोग भी करते हैं, जाए कि क्योंकि हम तो काम करने के लिए आते हैं, तो हम किसी को नाराज़ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें उस माहौल में ढलना पड़ जाता है। अच्छा, उस माहौल में ढलना पड़ जाता है आपको? जी जी हाँ। देखिए, आप बीती आप लोग देखिए कि जिस तरह से पब्लिक डिमांड का, दर्शक डिमांड करते हैं, उस माहौल में इनको ढलना पड़ता है, उस माहौल में परिस्थिति पर ढलना पड़ता है, क्योंकि पेशे का सवाल है और ये पेशे भी अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे हैं। आप ये बताएं कि आप ये कब से कर रहे हैं, ये नृत्य में आप कब से हैं? मेरा तो कम से कम लगभग 15 साल हो गया। 15 साल से हम कर रहे हैं। अच्छा, गांव में ऐसा भी देखा जाता है कि गांव में जब आप लोग रहते हैं तो क्या वहां भी कुछ कमेंट्स का पास होता है या कुछ गलत नज़र से देखा जाता है कि देखो ये लोग ऐसे से लड़की बनकर डांस करते हैं? हाँ, होता है। ऐसा होता है, होता है। वहां भी समाज में भी गलत ढंग से देखा जाता है? देखा जाता है। तो वहाँ क्या क्या सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यही कठिनाई सामना करना पड़ना कि मतलब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मतलब कोई कोई बोल देता है कि देखो ये नचनिया है, नाच करता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर हम लोग सुन के मतलब रह जाते हैं और कुछ नहीं बोलते, लड़ाई नहीं करना चाहते हम लोग, इसीलिए सुन के मतलब दिल में ठान लेते हैं। शादी हो गई है आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो क्या आप लोग को जब ऐसे ऐसे कमेंट्स पास से झेलना पड़ता है, पास होता है, झेलना पड़ता है, पास नहीं झेलना होता है, तो क्या इसका इफेक्ट आपके माँ बाप बाबूजी पर भी पड़ता है? कहते हैं कभी कि छोड़ दो? हाँ, मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि छोड़ दो, मत करो ये सब, लेकिन हम लोग का मतलब पूरा शौक है कि मतलब हम लोग डांस प्रोग्राम करें, पब्लिक को मतलब खुश करें, खुश रखें, इसीलिए हम लोग डांस प्रोग्राम करते हैं। जब आप एक लड़के से लड़की बनती हैं और रंगमंच पर जाते हैं और उस दरमियान आपको तरह तरह के कमेंट्स पास होते हैं, तरह तरह के परिस्थितियां आपको सामना करना पड़ता है, तो उस माहौल से आप कैसे बच के निकलते हैं, उस माहौल को आप रूबरू कराएं हमारे दर्शकों को, कि जब आपको गलत नज़र से या गलत ढंग से छेड़ा जाता है तो उस माहौल से आप कैसे निकलते हैं बच के? उस माहौल से तो हम लोग को बच के निकलना ही पड़ता है, क्योंकि बचना नहीं पड़ेगा तो मतलब आदमी सब नोच के खा लेगा, इसीलिए मतलब कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ जाता है हम लोग को, इसलिए बच जाते हैं। अच्छा, ये इस धंधा में आखिर आना क्यों पड़ा, इस काम में, इस पेशे में आपको आना क्यों पड़ा? आना इसलिए पड़ा, हम लोग को शौक था मतलब डांस प्रोग्राम करने क्या का। आप लोग के और घर में कोई और करते नहीं थे? नहीं। तो फिर कैसे आए? आ गए सही, मतलब मन में था कि मतलब कोई प्रोग्राम करे या नाच गाना करे, मतलब कह के हम लोग देखते थे, जाते थे देखने के लिए ना, तो मेरे भी मन अंदर मतलब फीलिंग होता था कि नहीं हम भी करें, इसीलिए हम लोग इसमें आ गए। आप लोग पेशे में आ गए? हाँ। आप कैसे आए इस पेशे में? बस शौक था बचपन से। बचपन से शौक था। आप लोग सब एक ही जगह से हैं? नहीं, हम उधर नवगछिया से हैं। नवगछिया से? आप भी कहीं और से हैं? अच्छा, मिले कैसे आप एक दूसरे से, जान पहचान कैसे हुई, कैसे सोचे कि हमको तो हम दोनों किसी पेशे में आना है? जान पहचान हो गई प्रोग्राम में, मतलब कहीं जाते आते हैं ना, मतलब जैसे आ गए यहाँ ना, उसी तरह मतलब भेंट हो जाता है ना, तो इसीलिए मतलब दोस्ती हो गया, इसीलिए मतलब जाते आते साथे। आप साफ तौर पर हम दर्शकों को बताएंगे कि कुछ ऐसे वाक्य आप अगर पेश करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपको बहुत बुरे ढंग से पेश किया गया, आपके साथ बर्ताव किया गया और आपको वहाँ विवश होके किसी ढंग से बच के निकलना पड़ा, ऐसी कोई वाकया, ऐसी कोई घटना आपके साथ? नहीं, अभी तक आपके लाइफ में नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप जहाँ भी गई हैं इज्जत? हाँ, इज्जत के साथ। लेकिन आप, लास्ट सवाल आपसे है,
कि जिस तरह से अब आपका जो जगह है लड़कियां ले रही है, आप लोग का आप लोगों की रोजी रोटी कम होती जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो हम यही कहेंगे कि लड़की को ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की का मतलब इज्जत इज्जत प्रतिष्ठा में रहना चाहिए लड़की को। अरे हम लोग तो लौंडा है, हम लोग का चल जाता है, लड़की का नहीं चलता है, इसीलिए यही बोलना था, कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप लास्ट में जो लड़कियां इस क्षेत्र में आ रही हैं, डांस कर रही हैं, तरह तरह के घटना से वो वाकिफ हैं, तब पर भी इस पेशे में आना चाहते हैं, उससे क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि लड़की को ये सब काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की को ये सब शोभा नहीं देता, क्योंकि जितना हम लोग सेफ हैं उतना लड़की सेफ नहीं है ये सब मामले में। जी हाँ, बिहार में जो लोंडा डांस का प्रचलन हुआ उसका मेन श्रेय भिखारी ठाकुर को जाता है, और बहुत सारे पुरस्कार भी भिखारी ठाकुर को मिले, और आज के जो टॉलीवुड हैं, बिहार इंडस्ट्री है फिल्मों में, जितने भी आप खेसारी लाल हो, निरहुआ हो, और सारे जितने भी कलाकार हैं सब यही डांस करते थे, और धीरे धीरे वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आए, और जिस तरह से अब जो ये चलन है प्रचलन है ख़त्म होता जा रहा है, और इसका जगह जो दूर दराज क्षेत्रों से बड़े बड़े शहरों से लड़कियां आके ले रही है, तो इन लोगों का जो रोजी रोटी है वो मारा जा रहा है, ये लोग अपने धंधे में विवश होकर बहुत कम काम मिल रहे हैं, इनकी रोजी रोटी भी अब डूबते जा रहे हैं, लेकिन एक आगाह करते हैं कि इस पेशे में लड़कियां ना आए, क्योंकि लड़कियों को बहुत सारे घटना घटित होती है वो फेस नहीं कर पाते हैं, और कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि जिंदगान के लिए वो भूल नहीं पाते हैं। ये बार बार आग्रह करते हैं, मैं तो लोंडा हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं झेल लूँगा, लेकिन लड़कियाँ नहीं झेल पाएगी। धन्यवाद।